नहीं बगैर बस आप एक सेलिब्रिटी हैं आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आपने आप नहीं भी चाहे तो आपको चाहने वाले तो बहुत रहे हो बहुत रहे हैं लेकिन इतना बैठते नहीं थे हमारे पास डरते पता नहीं क्यों थे व्हाट्स योर फेवरेट नंबर आठ बाय कोई एक ऐसी चीज जो लाइफ में आपको लगता है कि प्रवीण कुमार को यार ये नहीं गया करना चाहिए मलाल रह गया जो हाँ वर्ल्ड कप खेलना चाह रहा था वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा अच्छा आप पढ़ाई में कैसे थे पीके तो पीके के सबसे ज्यादा सपोर्ट में कौन से सीनियर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एज अ मैंटोर भी और हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे और आपके स्टैंड बाय में रहे कि नहीं यार अगर पीके के को कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई एलिगेशन आती तो मैं उसको सेव करने में तो नहीं वो नहीं रहे कि खूबी ये रहे वो ना यूज़ करना जानते थे प्लेयर को कैसे यूज़ करना करेक्ट कब यूज करना है कैसे यूज करना है हमें जाननी कि आपके और सुरेश रायना के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे तो। मतलब वैसे आप इतना घी खाने के बाद आपकी फिटनेस लगती नहीं है मुझे कि वो कहीं पे भी घी नजर आ रहा है कहीं कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहे होते बस और के भाई यूज़ जस्ट बिना नहीं नहीं सर सर ठीक है निकलो तो आपको लोग आपका एग्रेशन जो है वो ऑन फील्ड हमेशा देखने को मिलता है देखा हमने खुद देखा कि आप जब बॉलिंग करते हैं कि आपका जो एग्रेसिव मूड रहता था तो क्या पीके आ, रियल लाइफ में भी इतना एग्रेसिव है हैं पता है जब हाई इनकम होती है ना तो आदमी सोचता है गाड़ी घोड़ी तो बाद में आते रहेंगे अच्छा पीके की डेली रूटीन क्या है मतलब वो पूरी अपनी आज की डेली रूटीन में क्या करते हैं कुछ नहीं करता खाली हो

हाँ थोड़ा सा ठंडा और गर्म की वजह से आ, अच्छा तो वैसे तो आपके बारे में हिंदुस्तानी नहीं पूरा देश और विदेश सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बखूबी जानते हैं एक आपने एक बहुत अच्छा एक नाम आ, कमाया है क्रिकेट जगत में मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में लोग नहीं पता आज भी कि पीके कैसे हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं हमको तो. पैदा तो मैं शामली में हुआ हूँ ओके पहले तो मुजफ्फरनगर जिले में होता था तो शामली ज़िला बन गया तो हम लोग यहाँ मेरठ में रह रहे हैं करीबन चालीस साल से रह रहे हैं तो यही पैदा हुआ हूँ लेकिन पलावाड़ा मेरठ में वो खेला भी यहीं पर हो छोटा सा स्कूलिंग कहाँ यही मेरठ में ही यशवंत राय जशवंत राय स्कूल में एंड्रॉय और कॉलेज का टेंथ मैंने यहाँ से की और ट्वेल्थ मैंने की सी ए इंटर कॉलेज ओके okay. ये भी मेरिट थे में आया मेरिट में अच्छा तब ख्याल आया आपके दिमाग में कि नहीं आपको क्रिकेटर बनना है नहीं ख्याल नहीं बचपन में ऐसे खेलते थे छतों पे खेल लिए गली में खेल लिए पार्क में खेल लिए पहले पार्क के होते नहीं थे करेक्ट किसी के प्लॉट में खेल लिए किसी के कई सरकारी स्कूल में खेल लिए तो ऐसे ही चलता रहता था ख्याल तो बाद में आया जब सिक्स क्लास में था फिफ्थ या सिक्स क्लास में वहाँ भी स्कूल होता था स्कूल में खेल लिए फट्टे से खेल लिए प्लास्टिक की बॉल थी प्लास्टिक की बॉल से खेल लिए तो लेदर की बॉल तो नहीं होती थी एट्थ नाइन्थ में लेदर की बॉल से खेलना स्टार्ट कर दिया था तो अच्छा hmm. नहीं बट ऐसा होता ना आप सिक्स सेवन क्लास का बच्चे के दिमाग में कभी ये विजन या ड्रीम कभी नहीं होता कि यार मैं इतना बड़ा क्रिकेटर और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोशिश करूँ तब ये ख्याल नहीं आते थे तब तो ये अभी खेल रहे हैं बस सब खेल रहे हैं मोहल्ले की टीम बन गई तो खेल रहे हैं ये ख्याल तो कभी नहीं कि एक आएगी हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे या अपने स्टेट के लिए खेलेंगे या जिले के लिए खेलेंगे तब तो, तो चल रहा था कि सब खेल रहे हैं बच्चे हम भी नियमित थे छोटे छोटे बच्चे उस टाइम ख्याल आ रहा था पाँचवीं छठी क्लास में इवन दसवीं तक भी नहीं ख्याल रहता अब तो खैर क्लब क्रिकेट हो गई है सब खेल रहे हैं माँ बाप लगे हुए हैं बच्चे के पीछे पहले नहीं था ऐसा पहले तो माँ बाप को पता नहीं था बच्चा क्या कर रहा है एग्जैक्टली तो यही जीवन रहा है ऐसे ही पले बढ़ गए तो आपके माता पिता भी यही चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने या नहीं पिताजी चाहते थे कि खे, खेले उन्हें ये नहीं था कि क्रिकेट खेले वो चाहते थे पहलवान बने कुश्ती उश्ती कर ले तो मम्मी और उस टाइम नहीं पता था किसी को कि फ़ोन क्या बच्चे के बारे में किसी को क्या पता होता है क्या बनेगा exactly. क्या क्या तो बनेगा तो उसको करते रहते हैं कि हाँ बैट चाहिए छोटी सी ओवर को तो बैट ला दे दिया बॉल ला दे दी तो ऐसे ही हम थे अच्छा मगर आप भी शुरू से uh, मतलब क्रिकेटर ही बनना चाहते थे या फिर ऐसा होता है ना पढ़ाई हम कर रहे हैं एजुकेशन कर रहे हैं और जो हमारे माता पिता तो होते हैं मोस्टली ये चाहते हैं कि भाई इंजीनियर बन आ, जाए हाँ सी ए बन जाए या और कोई फील्ड तो में सब में सभी माँ बाप चाहते हैं कि यार बच्चा और लिखे इंजीनियर बन जाए पायलट बन जाए ये मतलब या टीचर बन जाए या फौज में चला जाए हमारे फौज और पुलिस का ज़्यादा चलन था कि मेहनत करे बच्चा फौज की तैयारी कर ले पुलिस की तैयारी कर ले जी जी बेसिकली माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए बिल्कुल चाहे वो खेल हो चाहे वो नौकरी हो जो मध्यवर्गीय परिवार से आता है तो वो पहले यही सोचता है कि भाई पढ़ लिख के नौकरी लग जाए बस उसका तो ड्रीम कुछ नहीं होता कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाए अपना होता रहेगा बाकी बाद में तो पहले ये नहीं था अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है कि बच्चे को पहले से ही तीसरी चौथी चो, पाँचवीं क्लास से स्पोर्ट्स में डालना है तो उधर डाल दिया ये, कुछ और बनाना है तो उसमें डाल दिया पहले नहीं था ऐसा पहला ठीक है मोहल्ले में खेले इधर से उधर खेले इस प्लॉट से उस प्लॉट में खेल लिए एक टीम मोहल्ले की इधर की बन गई एक टीम मोहल्ले की उधर की बन गई तो पहले ये था अब नहीं है अब मोहल्ले की क्रिकेट खत्म हो गई अब क्लब क्रिकेट हो गया है exactly. एग्जैक्टली हर जगह चाहे दिल्ली हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह क्लब क्रिकेट चल रही है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है कहीं ना कहीं नुकसान भी है कभी ने मना नहीं करा आपको बेटा खेल में टाइम पर बात मत करो कुछ नहीं होगा नहीं, नहीं, करते थे मेरे पता बोलते थे कि पढ़ना बहुत जरूरी है खेल के साथ साथ जी हम हालांकि हम भी ट्वेल्थ ही कर पाए उसके बाद में तो फिर लग गए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग गए अच्छा रणजी ट्रॉफी दिल्ली रानी ट्रॉफी देवदा ट्रॉफी सब तो पीके भाई ये बताइए क्योंकि उस दौर में कोई गाइड करने वाला तो था नहीं क्योंकि आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं जो बैकग्राउंड से स्पोर्ट्स में रहा हो तो आप तो किसने बताया कि ये इस तरीके का ये एक तरीका है रास्ता है जिसपे आपको चलना है और आगे बढ़ना है अरे उस टाइम कोई किसी को नहीं बताता था एक्चुअली अच्छा। अच्छा। उस टाइम पे ना ऑल इंडिया टूर्नामेंट बहुत होते थे अच्छा तो हम खेलते रहते थे मेरठ की टीम बन गई तो बहुत जगह टूर्नामेंट होते थे दिल्ली में होते थे बरेली में होते थे मुजफ्फरनगर होते थे मेरठ में भी, भी होते थे तो हम लोग ना पहले ऑल इंडिया टूर्नामेंट बहुत खेलते थे अब वो मैं वही बोल रहा हूँ अब ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खत्म हो गए उसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन था अच्छा हाँ भाई एक टीम आई है दिल्ली की मतलब क्रिकेट की आई है तो एक टीम मेरठ की है एक टीम ऐसे है तो अभी हो गया कि डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट हो गया तभी तभी बच्चा ट्रायल देगा पहले ऐसे नहीं था पहले ओपन था ओपन था हाँ पहले टफ था

हम लोग एक्चुअली यूपी से हैं तो हमारे ट्रायल होते हैं कानपुर में इसे कानपुर में होते हैं दिल्ली में मैं वैसे क्रिकेट बहुत खेला क्लब क्रिकेट मैं कोलाज ग्रुप से भी खेला हो सोनेट से भी खेला हो हर जगह खेला अच्छा तो अच्छा तो ऐसे कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं मतलब पिताजी किस मेरे पिताजी पुलिस में थे अच्छा और हेड कांस्टेबल जब मैं इंडिया खेल गया तो हेड कॉन्स्टेबल थे वो पहले सिपाही थे फिर हेड कॉन्स्टेबल हो गए दीवार हो गए उसके बाद में फिर उन्हें वी दिलवा दिया था

क्या बात है और दोनों भाई अब एक ही मतलब काम हाँ, को संभाल रहे हैं हाँ तो आप तो अब प्रवीण वाह बेटा है चार साल का उसका नाम विजय हाँ मैंने उसके पिक्चर्स देखी वो भी अभी उसे भी क्रिकेटर बनाना है बनाने को तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं बनेगा देखी जाएगी नहीं तो कुछ और कर लेगा हाँ ये बात भी सही है अगर पी के क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते कहीं कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहे होते के अच्छा <laughs> <laughs> अच्छा ये बताइए हमें बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जैसे हमें जाननी है कि आपके और सुरेश रैना के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे अभी भी हैं अभी भी हैं इनफैक्ट तो मतलब कुछ ऐसी मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहती है और मिस भी करते हैं उस मोमेंट को नहीं मिस कुछ नहीं करते हम लोग जब भी कहीं वो मेरा आता है तो घर आ जाता है घर पर बैठते हैं गपशप वो वही पुरानी चीज़ें अच्छा दिल्ली जाता हूँ तो हम मिल लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं एक परिवार की तरह रहते हैं हम लोग आर पी नहीं ओ, भी ओके है जितने भी सारे क्रिकेटर हैं है रही। पर आपकी तो, बॉन्डिंग सुरेश रैना से वो ज्यादा देखी जाती है हाँ मतलब ज्यादातर पिक्चर्स में भी आप सुरेश रैना के साथ नजर आए हाँ तो इसलिए लोग हम लोगों को ना सबका स्वभाव स्वभाव एक जैसे कभी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे हम दोस्त नहीं हम सब भाई एक्चुअली एग्जैक्टली exactly. तो हम सब इकट्ठे रहते हैं इकट्ठे सारा जब मिलता तो लगता ही नहीं है कि आप मतलब लोगों को ये नहीं लगता है कि है न, ये सुरेश नैना है ये आर पी सिंह है ये प्रवीण कुमार है ये मोहम्मद कैफ है ये युवराज सिंह है कोई भी जितने भी हमारे चाहे सीनियर हो चाहे हम इकट्ठे हो ख... जितने भी प्लेयर हो तो हम ऐसे रहते हैं जैसे यार बाहर से जो लोग लो देखेंगे कहेंगे यार यार्मल आदमी नॉर्मल नॉर्मली है नॉर्मली होते हैं अच्छा ये एक एक्सपीरियंस ऐसा हमें शेयर कीजिए कि जब आपको पहली बार इंडियन टीम की सिलेक्शन हुई आपकी तो ये खबर आपको कैसे मिली और वो जब खबर मिली तो आपका रिएक्शन आप कहाँ थे आपका रिएक्शन क्या था नहीं जब आदमी खेलता है ना तो उसका नाम चलता रहता है ये हाँ ये खेलेगा ये खेलेगा खुद को पता रहता है मैं खेल जाऊँगा खेल जाऊँगा तो मैं अहमदाबाद में था तो वो चल रहे थे चैलेंजर ट्रॉफी तो सब निगाह थी मेरे ऊपर की हाँ ये खेले गए खेल सकता है बहुत अच्छा कर रहा मैं अच्छा कर ही रहा था दो साल से अच्छा कर रहा तीन साल तो मैं शायद था अच्छा लास्ट मैच था वो हमारा तो वो रस्ते में फिर सुबह हो गए थे सुबह फिर वो अखबार में आती है हालांकि प्लेयर को पता रहता करेक्ट हाँ तो सुबह अखबार में आगे कई प्लेयर तो हम जा रहे थे तो आपको दी वो मुझे टी वी के माध्यम से पता लगता था अच्छा आप <laughs> तो मतलब नहीं मतलब ऐसा तो ना सेलेक्टर आपको कॉल कर रहे हैं हाँ ना, ना ना या ऐसी कोई ना ना सुबह पता लग, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो था अंदाज़ा था कि नाम आ जाएगा अच्छा बाकी जब सुबह सुबह फ़ोन वजह लगे टन होने लगी तो पता लग गया तो वो कहाँ का सिलेक्शन था जो आपका सबसे बैदाबाद में नहीं पाकिस्तान के लिए वो था जयपुर में मैच था अच्छा जयपुर का मेरा डेब्यू है टू थाउजेंड सिक्स का एटीन नवम्बर और मतलब जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं उनका ए, कैसा व्यवहार रहता है जो बोला ना वो सब भाइयों की तरह रहते हैं जैसे सीनियर प्लेयर्स जूनियर्स को भाई की तरह रखते हैं हा, कि हाँ ये छोटा है तो इसे उसी तरीके से रखना है और तो जो सब साथ के होते हैं वो तो फिर हम रहते ऐसे कि राइट हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है सब सब अच्छे सब भाई है तो पी के सबसे ज़्यादा सपोर्ट में कौन से सीनियर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एज अ भी और हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे और आपके स्टैंड बाय में रहे कि नहीं यार अगर पी के कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई एलिगेशन आती तो मैं उसको सेव करने में सब अच्छे हैं चाहे उस टाइम हम खेलते थे पाजी हो पाजी मीन सचिन यूवी भाई एम एस भाई जैक भाई कुछ सारे सारे सपोर्ट में रहते थे सपोर्ट पता जब टीवी पे मैच आता ना तो वहाँ पे कुछ रहा ही नहीं जाता नहीं सब सब कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है कौन खराब दौर से गुजर रहा है कौन अच्छे अच्छे दौर से गुजर रहा है तो उसमें उसमें फिर सपोर्ट करते नहीं नहीं अच्छा कर रहा है अच्छा करना है ऐसे अच्छा होगा तो सभी सभी वहां समझाते हैं प्लेयर्स को अगर खराब दौर से भी गुजरता है तो उसमें समझाते हैं कि नहीं ऐसा करना है और मेहनत करनी है और ऐसा आपका जब पहला मैच था डेब्यू मैच था जैसे आपने बताया पाकिस्तान के खिलाफ आपका नाम आ गया था टीम में तो जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था और आपका पहली बार बजाय सी बात है आप इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करने वाले थे हाँ तो आपकी फील क्या थी और कैसा फील उस टाइम का माहौल था नहीं फील कुछ नहीं थी धोनी भाई बिल्कुल ऐसे सामने बैठे हुए थे मैं ऐसे बैठा हुआ था <laughs> तो उन्होंने बोला फर्स्ट ओवर इधर से पवेलियन ठीक है तो मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये पहला मैच है अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है सच से बता रहा हूँ कोई प्रेशर होता है ना कि भाई ये मैच है मैच की तरह ले उसका वो, अच्छा हाँ बॉल फेंकनी है सामने वो खड़ा हुआ है उसे आउट करना है बस और सबसे बेहतरीन आपने मतलब लाइक बहुत सारे कैप्टन अंडर में आपने खेला है तो अभी तक की आपको जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिली और सबसे बढ़िया कैप्टनसी आपको किसकी लगी नहीं मैं दो टीम के अंडर खेला हूँ ओके okay. कैम भाई के रहना के और धोनी भाई के और तीनों का एक ही स्वभाव से लगा हुआ है और तीनों आपके क्लोज है धोनी भाई की खूब ये रही कि वो ना यूज़ करना जानते थे प्लेयर को तो कैसे यूज़ करना है करेक्ट कब यूज़ करना है कैसे यूज़ करना है तो ऐसे ही मुझे कैम भाई भी लगे उन्हें कब यूज़ करना है कब नहीं लगी ज़्यादातर कप्तान ऐसे होते हैं कि उन्हें कब प्लेयर को कब यूज़ करना है किस तरीके से यूज़ करना है ग्राउंड चलिए जब आपने ऐसी बात करी है तो मैं थोड़ी सी चीज़ें अब उसी से जुड़ी पूछ लेता हूँ आपको क्या लगता है कि क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेंटल uh, स्पोर्ट्स uh, है या फिर फिजिकल ज्यादा है डिपेंड किस पे ज्यादा रहता है देखो दोनों ही चीज़ दोनों ही चीज़ चाहिए फिजिकली स्ट्रांग चाहिए लेकिन हाँ जो दिमाग से स्ट्रांग रहेगा तो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा ही तो दिमाग तो चाहिए किस किस परिस्थिति में आपको कैसे करना है कैसे लड़ना है उस सिचुएशन से तो मेंटली वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आप उस लेवल पे अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो, 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 तो बहुत बहुत टफ है इधर सर्वाइव करना आप पीके भाई ये बताइए मतलब तो जब आप बॉलिंग करते हैं या फिर आप जब फील्ड में होते हैं और ख़ास तौर से जब पाकिस्तानी के खिलाफ होता है दिमाग में सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है एक एग्रेशन होता है या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि नहीं यार जैसा मैं बॉल करता हूँ हमेशा वैसे ही करते हैं और अदर टीम्स के खिलाफ या उसके खिलाफ अदर स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करते हैं सारी टीमों के अगेंस्ट में स्ट्रेटजी अलग होती है भाई इंग्लैंड की टीम के प्लेयर हो हैं तो उस हिसाब से उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी जैसे पाकिस्तानी है श्रीलंकन है बांग्लादेशी है तो ये स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं अब तो फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते हैं लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत स्विंग होता है तो करैक्ट सबको दिक्कत होती है तो अलग अलग टीम के लिए अलग अलग स्ट्रैटी होती है ऐसा नहीं है कि एग्रेशन तो हर टीम के अगेंस्ट रहता ही है फास्ट बॉलर का या मीडियम फास्ट बॉलर का दो तो वो तो जैसी टीम होती है उसी हिसाब से प्लानिंग होती है या जैसा प्लेयर होता है सामने उसी हिसाब से प्लानिंग होती है वो पहले ही कर लेते हैं ग्राउंड पे ग्राउंड पे तो करते करते हैं वो ड्रेसिंग रूम में पहले ही इन में हाँ वीडियो एनलिस्ट होता है वो सारी चीज़ें दिखाता है या इसकी कमजोरी है या इस कमजोरी इंटरनेशनल के बाद बहुत टाइम के गैप के बाद आपको टेस्ट में मौका मिला आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया आ, में आ, और पहले ही मैच में आपने पांच विकेट ली आ, तो वो वो लम्हा कैसा था वो फील कैसी थी ठीक था सबको लगता है यार भाई आपकी छाती पे भी टेस्ट नंबर लगना चाहिए टेस्ट, टेस्ट कैप का जो नंबर होता है वो लगना चाहिए छाती पे माथिर एग्जैक्टली exactly. तो वो मेरे लिए बस वो था कि हाँ यार तेरा भी नाम आ रहा आ गया टेस्ट प्लेयर बन गया तो भी बस बाकी कुछ नहीं था वाकई तो वही काम होता बॉल है बॉलिंग करनी है सामने जो खड़ा है उसे आउट करना कैसे आउट करना वो तुम खुद सोचो तो वाक़ी यही चलता रहता है और आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्योंकि जो आपके करियर था आपको लगता है कि यार मैंने यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दिया है और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ

चोट लग गई थी तो मेरी जगह ही आया था फिर श्री शांत हाँ हाँ तो वो कठिन समय था वो सब मैं बताया ना आपको दिमाग अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बताइए बाहर नहीं खाते तो वहाँ मैंने अपने दिमाग को समझाया मैं ये डिसीजन दिमाग से लेने का है दिन से लेने का नहीं कनेक्ट तो मैंने बोल दिया था मैं क्या नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा हालांकि बोर्ड ने बड़ी मेहनत करी मेरे ऊपर जी नहीं ये फिट हो जाए जल्दी इसका फिट हो जाए तो हो ही नहीं पाया था वो एक्चुअली डेंगू हो गया था उससे पहले तो डेंगू में जोड़ ओर सब हिल जाते हैं तो एल्बो में मेरे पेन था वो ज़्यादा ज़्यादा खराब हो गया वो थ्रो भी नहीं कर पा रहा था मैं अच्छा इसलिए तो इवन एक बॉल पर नहीं फेंक पा रहा खराब होगा और उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम हाँ दो ढाई तीन तीन महीने लगा चार और क्रिकेट एक इतना फास्ट हो चुका है मतलब जो पहले का क्रिकेट और आज के क्रिकेट में आप कितना डिफरेंस समझते हैं जो आज के लड़के हैं जिनको आज कंपटीशन आज पार्टिसिपेट करना है या क्रिकेटर बनना है तो कितना आसान होता है ये पहले के और अब के लोगों में पता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिटनेस अगर आप फिट रहेंगे तो आप खेल सकते तीनों फॉर्मेट वो भी तीनों मैं बिल्कुल सच बताऊँगा तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बहुत जान चाहिए शरीर टेस्ट मैच है या वनडे है फिर टी है आप वहाँ से फ्री हुए तो आपको स्टेट की सेवा कर रही है करेक्ट तो क्रिकेट बढ़ तो गई है लेकिन आप अगर फिटनेस पर ध्यान रखोगे तो खेल सकते हो तीनों फॉरवर्ट नहीं तो फिर मुश्किल है फिर आप दो तीन साल खेलोगे टूट जाओगे फिर फिर चले जाओगे एक साल बीच और फिटनेस के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कोई ट्रीटमेंट सबके 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 अलग अलग प्लान है सबके अलग अलग बॉडी के हिसाब से सब अपने अपनी मेहनत करते हैं अब मैंने कभी मैं बहुत रेयर जिम गया मैं अपना वही जो पुराने बैठक, हाँ अरे तो हाँ, बॉलिंग ज्यादा कर देता था, अच्छा। कर लेता था हाँ। बॉलिंग एक घंटा कर लिया सवा घंटा कर लिया दम तो आते ही है ना एग्जैक्ट नहीं अच्छा बहुत से प्लेयर बहुत से प्लेयर हुए रनिंग नहीं करते थे लंबी रनिंग नहीं करते डाइट की बात करूँ तो आपका एक किस्सा मुझे अच्छे से मैंने कहीं पढ़ा था सचिन तेंदुलकर के साथ आपका एक किस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहा था वहाँ आपने कुछ लंच टाइम में आप बिल्कुल हाँ। उस किस्से के बारे में कुछ बताएं जरा तो वो एक्चुअली किधर की बात है विस्वन? हाँ, विस्वन की बात राइट ऑस्ट्रेलिया में तो, तो असल में वहाँ पे ना वो वो रहता है पोटैटो और चिकन ये वो अब हमारे काका होते हैं होते थे अब तो शायद पता नहीं मुझे है या नहीं है मैसर के साथ होते हाँ ओके okay. मैसर थे वो लेकिन उन पर सब चीज़ रहती थी खिचड़ी वो बना देते थे मैगी वो बना देते थे चाय वाय तो चाय तो उनका मतलब चलती रहती थी और टाइम चाय रूम हो चाहे ड्रेसिंग रूम हो अब काका ने खिचड़ी बना ली तो मैं क्या काका खिचड़ी खाते हैं अब हम घी दूध वाले आदमी घी का सा तो वो बटर रखा होता था बस बटर की दो तीन चम्मच डाल डाल ली तो पाजी ने देख ली वो मेरी थाली प्लेट पाजी ने रहना को बोला रहना जरा क्या है तो पाजी ने बोला कड़ी कहाँ से आ गई, गई। येल, येलो येल्लो तैर रहा था ना ऊपर कह रहे नहीं भाजी है क्या इतना घी तो पाजी बोले इतना घी चलो हाँ जी भाई क्या खा जाएगा मैं हाँ जी भाज तो ये किस्सा था। मतलब वैसे आप इतना घी खाने के बाद आपकी फिटनेस लगती नहीं मुझे कि वो कहीं पे भी घी नजर आ रहा है <laughs> नहीं। उसकी वजह ये है कि आप आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा है नहीं ऐसा नहीं है अब तो छोड़ छाड़ दिया सब। अच्छा एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो आम पब्लिक के लिए है, हाँ। आम पब्लिक जानना चाहती है कि आई अंदर बहुत के अंदर बहुं सा, बहुं साल शुरू में तो एक एक्साइटमेंट नया फॉर्मेट आया है पर बाद में इसमें फिक्स होती है ये कितनी इसमें सच्चाई है और कितना मतलब कुछ कि मैच को टर्न कराना है या मैच सच्चाई <laughs> है ऐसा नहीं ऐसा कहीं कोई सच्चाई नहीं होती है कुछ नहीं करता नहीं हो। <laughs> बतिर भी तो करते होंगे सुबह से लेकर शाम की एक लाइफ रूटीन क्या रहती है आपकी नहीं कुछ नहीं मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं उठे दो तीन पराठे गाए दूध पिया बच्चे को ले आए स्कूल से फिर उसे मतलब छोड़ आए फिर ले आए बस यही चलता रहता है खेत पे गए थोड़ा बहुत मतलब दो चार पराठे खाने के बाद आपने आपको फिर मेंटेन तो बहुत अच्छा अच्छा किया हुआ है 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 इस से क्यों <laughs> बढ़ता बढ़ता ही नहीं है, नहीं बढ़ता अच्छा, नहीं पता वेट ये गिफ्ट है आपके लिए वेरी गुड मगर कभी आ, जो IPL करियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप ठीक था मतलब

मतलब ये ऑन एंड ऑफ आप क्रिकेट से बट टच आ, में, में। बट तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि मैं आ, कहीं कोचिंग के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया तो आने वाली जिंदगी से में क्या करने वाले कुछ नहीं बच्चों को पाल है बच्चों को क्या कुछ नहीं है जितना खेल रहा था खेल लिए तो आपको लोग आपका एग्रेशन जो है वो ऑन फील्ड हमेशा देखने को मिलता है मुझे तो फील नहीं हुआ वैसे जैसे, जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो। नहीं, नहीं मगर आपके एक दो कुछ इंसिडेंट्स के बारे में लोगों ने बड़ी लाइमलाइट की आपके कुछ एक्सीडेंट हुए वहां पे आपके एग्रेस को लेकर नहीं उसमें ना दूसरे की गलती होती है जी जब आदमी की अपनी गलती होती है तो माफ़ी मांग लेता है बोल देता है सॉरी भाई ठेरा गलती हो अब जब दूसरे ये मेरठ है उस्ताद हाँ तो यहाँ पर ना हर किसी के नाक पर गुस्सा रखा रहता के चलता रहता है शहर है ये थोड़ा सा अजीब सा शहर है अजीब सा नहीं है, है तो बहुत अच्छा बाहर वालों का ये लगता है ये कुछ तो हमारी बोली ऐसी है खड़ी खड़ी सी बोली है तो उसमें हम प्यार से बात करेंगे तो आदमी बोलता है कैसे बात कर रहा है नहीं ये बात मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि लोग प्यार से ही बात करते हैं तो वो लाने वाले को लगता है ऐसा तो नहीं है यहाँ लोग बड़े अच्छे जिसके हैं तो है जिसके नहीं है तो नहीं, नहीं है तो आपके तो खूब दोस्त होंगे आपके तो प्यार करने वाले, है चार्पार चार्पार वाले हैं लेकिन चार पाँच दोस्त हैं पर वो लो ऐसे हैं कि अच्छा अच्छा आप क्रिकेट मतलब फेटर्निटी में सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मतलब कोई एक जिसका आप नाम लेना चाहें तो

मतलब वो चार पांच हम, हम चार पांच अगर बैठे हैं या पांच छह बैठे हैं और मान लो पांचों की जेब में किसी के पैसे नहीं है और एक की जेब में है तो वही उठाएगा सर दर्शन मतलब तो ऐसा होता है कि किसी की जेब में पैसा ना हो ऐसे होता है वे सारे इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने एम एंड सेल्स राइट जैसे रेस्टोरेंट में खाना है हां हां तो हम पांचों में ना छे में ऐसा नहीं होगा कि बीस रुपये आपने दे दिए पचास रुपए उसने दे दिए अमेरिकन स्टाइल नहीं होगा ना, ना 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 एक ही देगा जो भी देगा क्या बात है मतलब वो भी आज भी वो देसी दोस्ती और उसी तरीके से सिंपल, रहना। सिंपल। अच्छा अच्छा अगर आप अपने आप को किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे अपने आप अपने बारे में मैं सच्चा हूँ ये बात अच्छा वॉट्स योर फेवरेट नंबर आठ बाय एक पंडित जी मिला था उसने दे दिया था कि भैया आठ नंबर लगा लो ना टी शर्ट पर ना ठीक है आठ हो गया तो आपकी जर्सी नंबर भी आठ रहता है अच्छा आप समर या विंटर क्या पसंद है आपको ठंडी पसंद वो वोकार अच्छा गर्मी में <laughs> हालात खराब अभी भी आपके लग रहे <laughs> अच्छा ही एनिमल्स पसंद करते हैं हाँ जी कैट्स और डॉग्स डॉग डॉग अगर आपको मौका मिले पूरे पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में कहीं रहने का तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे मेरठ के अलावा हाँ ऑब्वियसली मेरठ में तो आप रह रहे हैं कहाँ रहना पसंद करेंगे बाप पूरी दुनिया घूम कर आए ये तो आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सी ऐसी पसंदीदा जगह जो दिल्ली है, है दिल्ली ठीक है दिल्ली ठीक है पास में है दिल्ली बेस्ट है दिल्ली बेस्ट है ईस्ट वेस्ट दिल्ली इज द बेस्ट अच्छा कोई एक ऐसी चीज़ जो लाइफ में आपको लगता है कि प्रवीण कुमार को यार ये, ये गया हाँ। तो नहीं क्या करना चाहिए अगर आपको मौका मिले हमारे प्रधानमंत्री से बात करने का और एक मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे वह तो प्रधानमंत्री जी ये कहूँगा जी आप स्वस्थ हैं आप अगर और स्वस्थ रहो देश को अच्छे से बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है <laughs> <laughs> अच्छा कभी के हैव यू एवर बीन इन लव कभी नहीं हुआ मतलब भाभी जी से तो वो होगा हाँ नहीं उनसे तो यही है तो वो भी मतलब अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है अरेंज मैरिज वेरी गुड ओके व्हाट इज योर फेवरेट कलर वाइट ओके अभी तक कोई ऐसी वियर्ड चीज़ जो आपने खाई हो आप एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में एक बार और मुझे गलती, थे फिश थे गलती से फिश खिला दी थी इन लोगों ने गलती से खाता मतलब नहीं रहा फिश ओके आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है नहीं एग वग तो खा लेते हैं एग खा लेते हैं आप अच्छा तो इसलिए फिश किसी ने गलती से मत किसने खिलाई आपको अरे ये भी हौसले की बात है यही तो जानना है वो स्लाइस थे हाँ हाँ मैं जैग भाई रोहित विराट विराट नहीं, विराटनी नहीं। पारदे और पाजी अब सब खा रहे थे मैं सोचा मुझे पता नहीं यार क्या है वो स्लाइस बहुत बहुत पतले पतले oh, खा के देखो मैं भी थोड़ा सा तो पाजी ने बोला इस सॉस के साथ लगाओ हरी सी सॉस थी पता नहीं कैसी को क्या था वो बोलते तो है वसाबी शायद ओके okay, वसाबी हाँ मैंने लगाया मुझे अच्छी लगी है तो क्या <laughs> मैं यार मतलब मतलब वैसे कोई रिएक्शन कुछ ना 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 और टेस्ट में कैसा लगा आपको पता पता लगी लगी मुझे लगी है फिशे. अच्छा तो उसके बाद कभी कोशिश की व्हाट इज बेस्ट फीचर फीचर मतलब मतलब आपके आपको लगता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है आपकी आंखें अच्छी है मेरी आंखें ठीक है आखिर ठीक है <laughs> क्योंकि आपने हमेशा विकेट लेने में अपना शिकार उन आंखों से ही देखा है इसीलिए वेरी गुड कोई ऐसी वर्ष थिंग जो आपके बारे में आपको लगता है कि यार ये या मुझे खुद अपने बारे में अपनी पसंद नहीं है गुस्सा हाँ गुस्सा गुस्सा आपको गुस्सा बहुत आता है मतलब तो आता है तो फिर वो एक डेढ़ मिनट का ही आता है मतलब आधा सेकंड लेकिन वो खराब है ज़्यादा

पसंद हाँ वो वही क्रश सभी है अब हाँ ये भी बेचारा अच्छा डांस करती है ये भी हाँ तो वो न वही वही तो जाना है इसके भी नैन नक्स अच्छे हैं ये भी अच्छा है भाई ये भी अच्छा डांस करता है ऐसे कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में भी आते हैं तो कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है या जब बड़े कोई तो एक होगी ना ना मतलब नहीं भाभी जी नाराज हो जाएगी अगर आप बताए भाभी नाराज नहीं हो रही भाभी से क्या बता तो एक ऐसा कोई क्रश नहीं है वेरी गुड फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन

कभी भी मिल जाए आप नहीं छोड़ते कड़ी चावल छोले चावल राजमा चावल कभी मिल जाओ कभी भी मिल जाए ये फेवरेट है आपके यार अच्छा जो यंगर जनरेशन है जो आने वाले क्रिकेट में है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उस प्रोफेशन में आना चाहते हैं जो काम करो पूरा करो चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो पूरा करो जब तक आप उसमें सक्सेस प्राप्त नहीं कर लेते करते रहो ओके कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे आपको आपने ओवरकम किया हो और आप हाँ मैं मैं बीमार हो गया कल अच्छा हाँ तीन महीने रहा मैं हॉस्पिटल उस्वर्ट हॉस्पिटल रहे क्या हो गया था मुझे पेनक्रियाज की दिक्कत हो गई अच्छा हाँ तो उसके लिए आपको तीन महीने आप एडमिट रहा अच्छा आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाती है जब हम सारे बैठ जाते हैं दोस्त खासतौर से मेरे डॉले अच्छा इकट्ठे दोस्त बैठ जाते हैं और एक दूसरे के जब खींचते वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है आपका अच्छा आप पढ़ाई में कैसे थे पीके? पढ़ाई में अच्छा था एक महीना पहले पढ़ता था एग्जाम से बस बस और सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको जब बिल्कुल पसंद नहीं था कॉमर्स कॉमर्स ओके okay. आपकी बचपन की कोई बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट आपको कोई याद हो कोई है, नहीं है ओके okay. आप अब दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं कैमरा चल रहा है अभी <laughs> <पीस। laughs> मतलब ठीक है गेडी मारना हाँ बस ओके okay. आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको बाकी अदर लोगों से यूनिक बनाती है सच्चाई सच्चाई ओके okay. एक ऐसी थिंग जो आपने की अपनी जिंदगी में क्रेजी थिंग करते हैं यार वो, <laughs> वो भी कैमरा चल रहा है बता नहीं सकते <laughs> हाँ मतलब इतने पागल नहीं है कि अब तो बड़े हो गए बच्चे बड़े हो गए अच्छा आ, एक कोई एक ऐसी चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो अंधेरा हम्म अंधेरा अंधेरे से आपको डर लगता है ओके कोई एक ऐसी चीज या ऐसी बात जो आपने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की हो कौन तो सा कुछ मतलब पीके वो एक खुली किताब है हाँ जिसको हर किसी ने हाँ। अच्छे से जान चुके हैं ओके आपका तो फेवरेट पास टाइम क्या है कुछ घर में एफएम बॉलिंग कर लेते हैं जैसे घर में बॉलिंग का आपका है मैंने बहुत बड़ा वर्क पड़ा हुआ है नहीं कर ली। अच्छा वेरी गुड बॉलिंग कर लिया बैडमिंटन खेल लिए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ही जुड़े रहते हैं आप पास टाइम और आपका निक नेम मतलब घर वाले घर में भी आपको पीके के नाम से जानते हैं ओके अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी में आप किसी को नंबर वन कहना चाहेंगे हाँ। तो किसको देना चाहेंगे आप मतलब आपकी पसंद के हिसाब से जब हम छोटे थे तो सनी देओल के पिक्चर देखते थे ओके अब तो पिक्चर इ्चर छूट गई अब नहीं देखते थे लेकिन मुझे देखो शाहरुख खान तो सबकी पसंद है ठीक है लेकिन मुझे ना फिल्म ऐसी पसंद होती है जैसे गैंग्स ऑफ वॉसिबर बनी समाई नवाजुद्दीन सिद्धी वो हमारे घर गए तो बढ़िया है एक्टर मनोज वाजपेयी जो थिएटर वाले एक्टर न, वो ना वो पसंद है मुझे so उसमें ना सच्चाई ज्यादा कंटेंट बहुत उसमें ना सच्चाई झलकती है करेक्ट uh, तो वो वो एक्टिंग से ज़्यादा उसमें जो रियलिटी रियलिटी राइट 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 एक्जैक्टली ओके दो कोई ऐसी चीज़ें जो आप अपने चाहते हैं कि मैं अपने अंदर से बिल्कुल हटा दूँ एक गुस्से के अलावा बस एक गुस्सा ये जो आप हटाना चाहते हैं हाँ बाकी कुछ अच्छा जंक फूड में क्या पसंद है आपको भैया वो तो हमें मालूम है आपको कड़ी चावल तो पसंद डोसा खा लिया और क्या कुछ भी नहीं नॉर्मल चाइल्ड ली अच्छा ये तो सबके फेवरेट है हिंदुस्तानी हाँ। आपका फेवरेट चाइल्डवुड टी वी शो कौन सा है हमारे टाइम पे तो महाभारत चलती थी रामायण चलती थी वही जो मोहन में टी वी होता, होता था जो बेचारा कोई किसी किसी का मान लो साइकिल खड़ी हुई है करेक्ट और टी वी में इतना महाभारत में इतना खो गया और पता लगा उसकी साइकिल ही उठ गई तो मोगली आता था हमारे टाइम पे मोगली चंद्रकांता करेक्ट अच्छा बापी के को कितने घंटे की नींद पसंद है कम से कम चार पांच घंटा से घंटा बस बस मैक्सिमम ओके इन चार चीज़ों में से आप सब सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ब्रेड पास्ता राइस और पटेटोज रोटी पसंद है मतलब मतलब वो चारों में ही नहीं है कहीं ब्रेड रोटी मतलब ऐसी ब्रेड है मतलब ना 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 फिर फिर राइस ठीक है ओके ओके हाउ मेनी किड्स यू वुड लाइक टू हैव है तो दो चाहते कितने हैं माँ बता रहे दो ही ओके व्हाट्स योर फेवरेट कार जिसमें सुकून से बैठ रहे हो बस अच्छा ये वास्तव कुछ नहीं है कि कोई डिफेंडर या फॉर्चनर या एंडेवर जो, जो सही समय मिल जाए स्विफ्ट मिल जाए उसको घूम लो बुलेट खड़ी है उसमें घूम लो बस तो आपने मतलब आपकी जब फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने के बाद आपकी ऑब्वियसली हाई इनकम हो तो आपने कुछ पसंदीदा गाड़ी वाड़ी कोई खरीदी होगी पता है जब हाई इनकम होती है ना तो आदमी सोचता है गाड़ी घोड़ी तो बाद में आते रहेंगे अपना घर बनाओ अच्छे से ये तो गाड़ी घोड़ा तो बाद की चीज़ है जो आपने बना लिया है हाँ दुकान से घर बनता है घर से दुकान नहीं बनती ये तो बात बिल्कुल आपने पता ही ये हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ा अच्छा मैसेज है इनफैक्ट ओके और अगर आप बिलीनियर बन गए तो आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले पहले तो बने जाए उसके बाद सोचिए <laughs> अच्छा द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अपोजिट जेंडर अगर आपसे कोई पहली बार कोई मुलाकात करने आए फीमेल खासतौर से आपके फैन फॉलोइंग बहुत हैं या फिर फुर, फुर, अदर इंटरव्यू करने आए तो आप सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं कुछ नहीं नोटिस करते मिलते ही नहीं यार है मिलते ही नहीं घर अपने घर का खाना खाओके

आप सनराइज या सनसेट क्या पसंद करते हैं सनराइज सनराइज आपने बचपन में कभी कोई चीज़ माँ बाप की या पापा की कोई चीज़ चुराई मुझे पता था ये पूछो <laughs> कभी नहीं, कभी डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बोरिंग पर्सन और फन पर्सन फन पर्सन आर यू हैप्पी वेर आर यू राइट नाउ बहुत ज़्यादा खुश बहुत ज़्यादा खुश हैं आप वन सॉन्ग विच डिस्क्राइब योर लाइफ कुछ नहीं है सब वो कह रहा हूँ पिक्चर, पिक्चर गाने वाने अगर आपको एक एडवेंचर ट्रिप पे जाना हो तो आप किसको साथ लेके जाना पसंद करेंगे आई मीन राइफल हाँ योर फेवरेट ड्रिंक गन्ने का रस योर मोस्ट पर्सन मेरे अंकल थे उनके डेथ हुए थे आर विमेन कॉम्प्लिकेटेड <laughs> <laughs> मतलब ये आजकल के मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि महिलाएं जो है वो क्या वाकई में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं आपकी राय से क्या है होती होंगी होती होंगी हमारे वाले तो नहीं है आपकी वाली नहीं है।, तो है या आपकी लाइफ में जितनी फीमेल से आपका इंट्रेक्शन हुआ तो वो कोई ऐसा मौका नहीं मिला जो आपको लगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हम बैठे नहीं अच्छा इतने बैठे नहीं हाँ नहीं, बैठो बैठ वाय कुछ आप एक सेलिब्रिटी हैं आप, आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आपने आप नहीं भी चाहे तो आपको चाहने वाले तो बहुत रहे हो बहुत रहे हैं लेकिन इतना बैठते नहीं थे हमारे पास डरते पता नहीं क्यों थे <laughs> गुस्सा और राम जाने नहीं गुस्सा ऐसे भी नहीं भाई औरतों को क्या गुस्सा दिखाना बेचारे भाई यू जस्ट जोड़ा है <laughs> ना? नहीं नहीं सर सर ठीक है नहीं तो टैक्सिंग और टॉकिंग टॉकिंग डू यू बिलीव इन डेस्टिनी ओके एंड हु इज़ योर इंस्परेशन मेरे पिताजी लास्टली आप हमारे uh, शो के बारे में क्या गेंगे? नहीं अच्छा शो है और आप लोगों ने इतने सारे सवाल कर लिए मज़ा आ गया <laughs> आपका शो छाले पुले खूब तरक्की करो उम्मीद करता हूँ पीके भाई का आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा उनकी रियल लाइफ के बारे में जान के आपको भी अच्छा लगा और जो लोग पीके भाई के फैंस हैं और उनको पसंद करते हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमने ये कुछ कोशिश की है उनकी कुछ झलकियों को आप तक ले आने के लिए अगर पसंद आया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें